लेकिन एक बात सब लोग जानना चाहते हैं कि गुज्जर परिवार में शादियां कैसे होती हैं। दूसरे कुनबे में करते हो कि यहाँ पे आपस में कुनबे में हो जाता है आपका? रस्में क्या होती हैं आपकी, रस्में समझते हो आप? यहाँ से चला जाएगा, नकाह हो जाएगा, फिर चला जाएगा। अच्छा, उसको भैंस दे दी नकाह में कबूल करा के, उसको ऐसे कर लेते ना उसको। अच्छा, ऐसे कर लेते हैं, ऐसा कर। पढ़ा लिखे भी घर में बैठ के तो क्या पता चलेगा, क्या पता चले। जो बुर्का पहनते हैं, हाँ पहनते हैं, तो वो आपसे कैसे अलग है? मतलब आप, हम तो आपके आने से बहुत खुश हुए, और भले आप जंगल में रह रहे हो लेकिन आपकी सोच बहुत एडवांस है। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं ये सीरीज बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ पार्ट में। तो इस पार्ट में जो हमारा नया ब्लॉग है आज का, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन गुज्जर परिवार की संस्कृति क्या है, रीति रिवाज क्या है, किस तरह से शादी करते हैं, किस तरह से इनका निकाह होता है, कैसे कैसे कल्चर है, और सारी सारी कुछ अनछुए पहलू मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आज से पहले आपको किसी भी ब्लॉग में नहीं मिलेगा। तो आज तक मैं इनके बुनियादी मुद्दे उठाता रहा हूँ, लेकिन आज मैं इनके कुछ लाइफ के हिडन फैक्ट्स आपको बताऊंगा, इनके कल्चर के बारे में, इनके रीति रिवाज के बारे में। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में और करते हैं इस ब्लॉग को एक्सप्लोर। हाँ। अच्छा मेरा बहनी, बताओ, मैंने सब कुछ गुज्जर फैमिली के बारे में जाना, मैं कम से कम 15-20 फैमिली के पास चला गया, परिवार के पास चला गया। समझ, एक बात सब लोग जानना चाहते हैं कि गुज्जर परिवार में शादियां कैसे होती हैं, क्या रस्में होती हैं उनकी? जैसे नॉर्मल इस्लाम में शादी होती है, निकाह होता है, उनका होता है, चलो, पर आप लोगों का क्या सिस्टम है, कैसे करते हैं आप लोग शादियां? क्या शुरू से बताइए, आप शादी में क्या क्या करते हैं? शुरू से शादी में हम दावत रखते हैं, जैसे एक महीना करीब रख ली पहले दावत, उसमें दावत करते हैं, फिर जैसे लोग किट्ठे कर दो, किट्ठे लोग करते हैं, जैसे अपने पड़ोस के, फिर उनको सबको किट्ठे करके रख लेते हैं दावत उनकी। अच्छा, फिर रख दिए ना, जैसे शादी रख ली, तारीख निकाल के कोई शादी रख ली, फिर उसमें हमारे यहाँ दाल चावल ही बनते हैं। अच्छा, और बुरा लगता है और घी लगता है। अच्छा, हाँ, फिर जितने लोग भी है, जो भी है, बुलाना हो, 100, 200, 300, 400, 400-500 लोग आते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा होता है। तो जैसे आप रिश्ता करते हो ना, तो मतलब जैसे दूसरे कुनबे में करते हो कि यहाँ पे आपस में कुनबे में हो जाता है आपका? दूसरे में करते हैं, दूसरे में करते हैं, जैसे काफी जगह काफी लोग ऐसा करते हैं ना, आपने उसमें कर देते हैं? ना, ऐसे नहीं करते, ना ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं। आपका अलग, उनसे थोड़ा अलग है आपका? अलग 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 होगा। दूसरे गोर में करते हैं, दूसरे उसमें करते हैं। हम गुड़ा लिए ना, दूसरी गोद का होगा। अच्छा, गोद यानी गोत्र से रिलेटेड। रिश्ता मतलब चला गया, ठीक है, बात पक्की हो गई, तो दावा भी चल रही है, वो आपने अच्छा बताया कि ऐसा ऐसा करते हैं, लेकिन रस्में क्या होती हैं आपकी, रस्में समझते हो आप? रस्में जैसे होती हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है कि हल्दी हाथ करना, हल्दी लगाते हैं दुल्हन को, दूल्हे को, या फिर आपके यहाँ क्या होता है, मतलब मेहंदी हाथ में? अच्छा, हाथ में लगा लेते हैं, पैर में लगाते हैं, और ये मुंह में की ला रहे हैं। बाजार से खरीद लेते हैं हम, जैसे हमारी इसकी लड़की की शादी है, बाजार से खरीद लेंगे, अपना हाथ से लगा देंगे। अच्छा। बाजार में नहीं, हम मेकअप मुकअप कुछ भी नहीं कराते ना, खुशबू लगानी, सब कुछ खरीदना, सब कुछ सारे सामान खरीदना आता है हमारे को, पता ये लगाता है ये लगाते हैं, और अपने घर में कर लेते हैं, शहर में नहीं कराते हम। रिवाज क्या आपका? फेरे नहीं हमारे यहाँ, कबूल है वाला सिस्टम? हाँ हाँ, निकाह कराते हैं। मौलवी आता है? हाँ, मौलवी आता है, मौलवी आता है निकाह कराने। जैसे लड़की तो वहाँ बैठा रखी है, दूल्हा या दूल्हा यहाँ बैठा दिया, और यहाँ से दूल्हे जाएगा वहाँ लेके निकाह करा देगा, फिर यहाँ से बरात, जिसमें उनकी बरात आ रखी, फिर यहाँ से चाला जाएगा, नकाह हो जाएगा, फिर चाला जाएगा। अच्छा, फिर वहाँ जाएगा चाला। अच्छा, वहाँ से वापस आ जाता है। अच्छा, फिर लड़की महीने में भी जाती है, दो महीने भी जाती है, साल बाद भी जाती है। अच्छा, ऐसे मेहमान जैसे चाला लेके गए वहाँ छोड़ जाते हैं। अच्छा, वापस ले आते हैं, वापस ले आते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ ये भी सुना, मेहर देते हैं, भैंस देते हैं मेहर में, अकॉर्डिंग शादी होती है। हाँ, मेहर होती है तो मेहर में कह रही हूँ कि हमारी भाई आप लोगों का भैंस का धंधा ना, भैंस ही देते हैं मेहर में ना। हाँ, अच्छा, भैंस देते हैं मेहर में, भैंस देते हैं। हाँ, अच्छा, दुल्हन को, अपनी बेटी को, बेटी को नहीं, हाँ, बेटे को, बहू, बहू को देते हैं, बहू को। अच्छा, लड़की को तो अपनी बेटी को तो दहेज ही देते हैं, जब वो जाएगी उसे दे देंगे। अच्छा, दे दिया लड़के को, भैंसे देंगे भाई, अपना काम अलग कर तू। हाँ, ये हुआ मेहर की रकम, मेहर की रकम ना, रकम जैसे नकाह हुआ तो जो बहू ले आई, वो बहू को जैसे नकाह, जैसे नकाह कबूल कराना, उसको भैंस दे दी नकाह में, कबूल करा के एक भैंस दे दी उसको। अच्छा अच्छा, हो गया नकाह। अच्छा, पहनावा कपड़ा क्या पहनते हैं? जैसे आपने देखा होगा लहंगा लहंगा पहनते हैं, कढ़ाई वाले सूट। अच्छा, बढ़िया कढ़ाई वाले सूट, 1000-2000 के सूट, कढ़ाई वाले सूट वो पहनते हैं। अच्छा, हाँ, सूट पहनते, अंदर से चुन्नी ओढ़ते हैं, ऊपर से चाला ओढ़ते हैं, और जो भी लड़के हुए जैन, चाला क्या हुआ, चमकीला, 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 चादर,
अच्छा वो पोर्टल होता है अच्छा ऐसा कर लेते हैं बहू को देते हैं वहाँ जाते चाला जाता है तब तब उसमें पैसे डलते हैं अच्छा फिर पैसे डल के फिर ऐसे करते हैं अच्छा फिर मैंने ये भी देखा ना जैसे आपके यहाँ शादी हो जाती है फिर दुल्हन बाद में आती कुछ सालों बाद ऐसा भी है ना ऐसे आती है वो क्या नियम है आपका बताइए जरा हमारे साल की कोई बात नहीं है एक महीने में भी चले जाती है 15 दिन में जल्दी आने वाली है तो उसे 10-15 दिन में भी ले आते है एक महीने के बाद भी ले आवे अगर वो पहले था हमारा रिवाज अब नहीं है वो रिवाज मैं इधर अठूर वाला में गया ना जवानी में करते लड़का भी मर्जी करता लड़की लड़की मर्जी करती बड़ों ब्रिगे की शादी हो रही पहले तो छोटों की हो जाती थी छोटे हो जाते थे अब तो बहुत कम है यार लड़के ने भी लड़की जो देखनी पड़ती है लड़की भी क्योंकि मैंने लड़का देखना पसंद लड़का देखना पसंद करता है पसंद ही करता है नया जमाना बदल के तो पसंद तो करेगी अच्छा आपके माँ बाप ये रिश्ता करते हैं जैसे आजकल चल रहा है नए लड़के लड़कियाँ खुद ही पसंद कर देते हैं फिर घर में बताते भाई हमको शादी करनी है उससे ऐसा भी होता है आपके यहाँ होता है पसंद कर रही है वो शादी होगी अच्छा बाप को बोलेगा कि मैंने उससे शादी करनी है वो ले ली अच्छा बाप वो ही लेगा अच्छा मना कर देगा फिर नहीं करेगा अगर अच्छा। मना कर देगा तो फिर कैसे लेगा अरे अगर माँ बाप को लड़का नहीं तब माँ बाप भी कर सकते हैं ना अगर ना फिर कैसे करेंगे माँ बाप जबरदस्ती नहीं कर जबरदस्ती नहीं कर सकते जिसको लाओ अब मैं चली गई लड़की को देखने के लिए तो मैं देख के आ गई मेरी समझ में आ गई अपने लड़के को बोल दिया कि मैंने उससे शादी तेरी करवानी है उसने मान लिया कि हाँ करवा दो तो ऐसे भी करवा देते हैं उसने लड़के ने जरूरी देखनी है जाके अच्छा हाँ ऐसा भी है मतलब बेटे पे बात है लड़के पे बात है तो उसका मन कहीं और है तो वही करेगा तो आप लोग मान जाओगे नहीं फिर जबरदस्ती हम कैसे मनवाएंगे अच्छा अच्छा जबरदस्ती कैसे मनवाएंगे जब वो रखेगा तो फिर हम कैसे मनवाएंगे अच्छा आंटी मानो कहीं और बाहर करना चाहे जहाँ आप लोगों के हमारे बिरादरी की नहीं है ऐसा है वैसे तो तब भी हो जाता है नहीं दूसरी बिरादरी में करते ही नहीं करते ही नहीं करोगे नहीं मान लड़के ने पसंद कर दिया तो क्या करोगे कर ले तो कर ले आज जमाना कैसा हो रहा आप क्या कर सकता कोई सही बात कुछ नहीं कर सकता वो तो अगर आगे उनका मन की बात है नहीं तो ऐसे तो नहीं करते ऐसे तो नहीं करते बच्चे इसी माहौल में रहते नए जमाने के ब्यूटी पार्लर जानते हो आप ब्यूटी पार्लर जुबैदा ने सुना होगा जब शादी होती है ना आप लोगों में तो कहाँ उनका मेकअप कौन करता है समझते ऐसे आएगी जैसे घर से बच्चे बाहर निकलेगा कोई भी निकलेगा तो समझते उसे आती है या क्या समझ आएगा तो समझ तो बाहर ही निकल के आती है आदमी को घर में समझ थोड़ी आती है किसी चीज की भी सामना दुनिया जो भी है बाहर निकल के तो पता नहीं चलेगा आदमी पढ़ा लिखे भी घर में बैठ के तो क्या पता चलेगा क्या पता चलेगा वो घूमे फिरेगा तो तभी तो पता चलता है तभी तो पता चलता है कोई भी हो अच्छा तो ये निकाह भी हो गया मौलवी ने पढ़ भी लिया उसके बाद दावत हो गई हलीमा बोलते हैं उसको हलीमा बोलते हैं आप लोग हलीमा नहीं बोलते दावत को कुछ लोग हलीमा भी बोलते हैं हलीमा बहुत लोग अच्छा तो आंटी ये बताओ जैसे जो देखो आप भी मुस्लिम हो और वो लोग भी मुस्लिम हैं कुछ लोग जो बुरका पहनते हैं तो वो आपसे कैसे अलग है मतलब आप लोग बुरका नहीं पहनते वो देसी लोग हैं अब गुज्जर है तो गुजरों में पहनते हैं बहुत पहनते हैं हाँ पहनते हैं गुजरों में कम पहनते हैं कम पहनते हैं कम पहनते हैं उनमें ज्यादा पहनते हैं वहाँ तो मस्जिद में बना रखे ना हम आप जाएंगे तो पढ़ लेते हैं नहीं ऐसा ना उन लोगों ने तो पहनना ही पड़ता कि वो लोग तो शहर में पर वो लोग देसी लोग शहर में पढ़े हुए भी ज्यादा शहर में गए हैं हम लोग जंगल में उन लोगों को तो सब देखेंगे उन्होंने तो पहनने पड़ता हमने तो जंगल में रहना कोई आया आया नहीं आया हाँ तो हम तो जंगल में बंद पड़े हुए हैं यहाँ कौन आएगा जैसे आप लोग आ गए ना हम किसी को देख रहे मुझे तो आप लोग बहुत अच्छे लगे गुज्जर वन गुज्जर ये मतलब ये मतलब खुल के रहते हैं कोई प्रतिबंध नहीं है अब जैसे कई लोग मतलब आप लोग ना बहुत एडवांस हो एडवांस समझते हो आप आगे जमाने में भले आप जंगल में रह रहे हो लेकिन आपकी सोच बहुत एडवांस है वो आप बताऊं जो शहर में रह रहे हैं ना कई लोग ऐसे हैं जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते आप लोग जंगल में रहकर स्कूल भेज रहे हो पैसा खर्च करके सोचो आप कितना अलग हो अच्छा आंटी एक बात पूछ रहा हूं मैं आपको अगर आप बुरा ना मानो तो जैसे काफी लोग बोलते हैं ना जो जैसे गुज्जर है जो उधर नोएडा यूपी में रहते हैं वो हिंदू है वो गुज्जर तो मैंने जब आप लोगों का वीडियो बनाया मतलब और गुज्जर फैमिली का वीडियो बनाया तो उन्होंने मुझे बोला कि ये भाई हमारे भाई हैं ये भी पहले हमारे तरह थे गुज्जर ही थे लेकिन ये बहुत साल पहले जो है वो काफी इस्लाम में चले गए बट है ये हमारे भाई तो आंटी ऐसा कुछ है क्या ऐसे ही होगा ना अब हमारे से पहले की बात होगी जब हम नहीं होगा हमारे से पहले की बहुत पहले की बात है बट क्योंकि वो बोलते हैं कि ये हमारे गोत्र के हैं ये भी गुज्जर है ऐसा बोला ना उन्होंने कि जैसे हम गुज्जर है
तो वो बोलते हैं हम हिंदू गुज्जर है। हाँ इतना फर्क आ गया, हिंदू गुज्जर है मुस्लिम गुज्जर है। पर वो हाँ सुन्नी है, पर जो उन्होंने काफी लोग ऐसे हैं आंटी जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं गुज्जरों में, तो उन्होंने मुझे बताया जो बड़े बहुत बड़े लोगों ने बोला कि ये जो गुज्जर है ना वन गुज्जर ये हमारी हमारे गोत्र के लोग हैं, बट ये बहुत कई सौ सालों पहले जो है ये इस्लाम में चले गए। अभी अपनी सोच है ना, आ रखा था पिछले साल में हिंदू गुज्जर, हाँ। वो बोल रहा था कि मैं भी गुज्जर हूँ, हाँ। तो वो हमारे गुज्जरों की बहुत ज्यादा पक्षबाजी करता था वो, हाँ। वो हमारे जो गुज्जर लड़के जो पढ़े लिखे है ना, हाँ। उनके साथ में वो अपने समिति बना के चलता है, हाँ। तो वही मैं सोच रहा था, आप पुराने लोग हो तो शायद आपको पता हो ना, क्योंकि मुझे काफी लोगों ने बोला वहाँ पे जो मैंने डाला मुझे नहीं था पता कि मैं कहीं तो गुज्जर है, उन्होंने नहीं हमारे लोग हैं की है, बट ये कि इनका कल्चर अलग हो गया हमारा कल्चर अलग हो गया, वो थोड़ा धर्म से अलग हो गया, धर्म से अलग हो गया आप लोग, इतनी बात है। और रहे तो खाना वो पीना, भी खाना पीना सोच आपकी एक ही है, वही तो बोल रहा मैं, एक ही खाना पीना है, सही बात है, धर्म में फर्क आ गया बस। आप जब से बैठे ना तो आ रखे तो हमें अच्छा नहीं लग रहा ना, अरे बिस्किट दिए थे, अरे हम क्या सेवा कर रहे हैं भाई, हमारे यहाँ जंगल में क्या सेवा, चाय सेवा हमारी मेहनत कर रहे हैं, और हमारे जंगल में कोई सेवा नहीं, हमारे निजी शहर नहीं है, कुछ सेवा नहीं है, चाय सेवा हमारी। देखो दोस्तों ये हमारे लिए चाय ले आए भाई लोग, बताओ बहुत फोर्स कर रहे हैं हमको। तो फ्रेंड्स देखो इस गुज्जर प्यारी सी फैमिली ने हमारे लिए चाय बनाई है और बहुत ही खुशी हो रही है मुझे चाय पीते हुए, इतना प्यार, क्योंकि चाय में खाली मिठास ही नहीं है, इनका प्रेम बहुत है, प्यार बहुत है इसके अंदर, तो एक अलग ही सुकून मेरे को मिल रहा है चाय पीते हुए। ये देखिए रखते हैं बैठने के लिए, गर्मियों के लिए कोई मेहमान आ रहा है वो भी बैठ रहे हैं, हम भी बैठ रहे हैं, जब बच्चे गर्मी में पढ़ेंगे कोई यहाँ तो उनके लिए भी दिक्कत होती है, फिर गर्मी में बैठने के लिए पढ़ाने वाले आते हैं उनके लिए भी परेशानी होती है, हमारे यहाँ कौन सा पंखे है या कुछ, यही तो है जो बाहर की आवाज आ रही है, बाहर की आवाज आ रही है, उसकी वजह से हम ये लगाते नहीं है, कम लगाते हैं, ऊपर का पूरा दीवार नहीं बनाते। तो बारिश में पानी अंदर भी घुसता है, समय घुसता है, तरपाल तरपूर बांध लेते हैं ऊपर है ना, पड़े बना के। हम तो आपके लिए आप आने से खुश हुए कि हमारी बात को भी आगे बढ़ाए, कोई हमारे भी कुछ पल्ले पड़े हमारे भी, हम तो आपके आने से बहुत खुश हुए, और हमारे यहाँ तो मेहमान आते रहते ना, बहुत मेहमान रहते हैं, हमारे तो चाय ज्यादा मानते हैं, मेहमान आते हमारे पे क्या चाय देते, मेहमान आते चाय देते, खाना का टाइम होगा तो खाना देंगे, चाय के टाइम चाय देते, मेहमान आते रहते, चार पाँच किलो चीनी तो एक दिन में खत्म हो ही जाती है, हाँ हो जाती है, मेहमान आते इकट्ठे होकर बैठते रहते हैं, जैसे आप बैठे ऐसे तो हमारे कहते नहीं ये क्यों बैठा होगा, ऐसे कौन सब बैठ से आए एक जगह में, कैसा आ सब यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, बैठ जाएंगे चाय पियेंगे बातें करेंगे, तो खाएगा तो किसी को। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरी ये आज का ब्लॉग, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने पहाड़ी भाई यानी कि राज गौरव गैरोला भाई को प्लीज प्लीज सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता की, जय देवभूमि और भारत माता की जय। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरी ये आज का ब्लॉग, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए कि हम इनकी मदद करना चाहते हैं, हम इनकी मदद करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स मैं खाली आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस भाई का इस वीडियो को शेयर करते हैं तो भाई ये बहुत बड़ी मदद होगी, क्योंकि आप ही मुझे इस लाइक बना सकते हैं कि मैं इन जैसे लोगों की मदद कर पाऊँ। बस आप बस मेरी खाली एक ही मदद करिए कि मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और मुझे इस लायक बना दीजिए, मैं इन जैसे हज़ारों लोगों की अरमान पूरी कर पाऊँ, उनकी ज़रूरतें पूरी कर पाऊँ। अब वो होगा सिर्फ और सिर्फ जब आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे।